दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई डर मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी, तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान ये हिलाऊं हर पहाड़, में चलू मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से, खोलू अंधों की आंखें, भरू मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालो मेरी हर एक बातें। सुनने लगे कमाल है तू, लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह, ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है क्रिश्चियन मैसेज इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, उन पर परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ है, वे दुष्ट लोगों से और
किसी भी तरह की नकारात्मक प्रभाव से दूर रहते हैं। वे बाहर जाने और अंदर आने में धन्य है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। और यहाँ अला करे आंदेरा हांदल उसकेरा पंडल गुंडल चंदली का दिन तरी पंतरा भूषे और यहाँ अला करे आंदल उसकेरा पंडल गुंडल चंदली का जिन तरी पंतरा भूषे और भूष करे बोटा का बगरा टीके भूषे कर बा और यहाँ अला करे आंदल उसकेरा पंडल गुंडल चंदली का जिन तरी पंतरा भूषे और भूष करे बोटा का बगरा टीके भूषे कर बा यहाँ लास्केरा आंदल उसके हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक बच्चा सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में सीखे रहो सारा पर पोष करे पटे का बगरा टीके पोषा करे पर यहां रे आला का और यहां रे लास के रहा अंदर लगुंडा रे वचन दली का जिन तरी बापुन तरह भूषे और यहां रे आला कर यहां रे लास के रहा अंदर लास के रहा पांडा ओ हा 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 ओ सीखे रहो सारा रे बरे पोष करे पटे का बगरा टीके पोषा करे बा ओ सीखे रहो सारा रे बरे पोष करे पटे का बगरा टीके पोषा करे बा ओ सीखे रहो सारा रे बरे पोष करे पटे का बगरा टीके पोषा करे बा यहां रे आला कर यहां रे उसके और यहाँ हरे आंदलोस के रफ़ंडल बुंडल वंचन दली का धन्यवाद बनवे से धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु धन्यवाद जी के रोबसा लल्लो बरे बोश करे पोटे का बगरा टीके को शकर बा और जी के रोबसा लल्लो बरे बोश करे पोटे का बगरा टीके को शकर बा यहाँ दे आला करे यहाँ दे उसके रहाँ का और यहाँ दे लास के रहाँ का लास के रफ़ंडल बुंडल वंचन दली का और जिन तरीका कुंतर भूषे रे हाथ दे लास के रफ़ंडल बुंडल वंचन दली करे यहाँ दे लोस के रहाँ तो और प्रेपो कांडलाश करे यहाँ दे आला करे यहाँ दे लोस के रफ़ंडल बुंडल वंचन दली का ओ जिन तरीका कुंतर भूषे रे हाथ दे ला करे यहाँ दे लोस के रफ़ंडल बुंडल वंचन दली का जिन तरीका कुंतर भूषे और भूष करे बोटा का बगरा टीके भूषा कर बा और जी के रो बजा ला ला भूष करे बोटा का बगरा टीके भूषा कर बा यहाँ दे आला करे यहाँ दे लोस के और यहाँ दे आला करे यहाँ दे लोस के रफ़ंडल बुंडल वंचन दली का जिन तरीका कुंतर भूषे और भूष करे बोटा का बगरा टीके भूषा कर बा यहाँ दे लोस के रफ़ंडल धन्यवाद परमेश्वर हर एक बच्चे सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में ओ जिक्र रब सदा लबारे बोझ करे बोटे का बगरा टीके बोझ करे बारी आंध्र आला करे आंध्र लोस के ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुरे! तो क्या शुरू करें? मात्र ए है प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूम, हर जरूरत पूरी कर, तू यहाँ है, जीवनों को बदल दे, हालेलुया। वो मार बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, तू यहाँ है, तू यहाँ है, हमारे मध्य में, हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, जहाँ कहीं आप है उसकी स्तुति कीजिए, तू यहाँ है, तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, तू है बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश, ओ प्रभु यही तू है। हाँ,
बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू या है हृदय को चंगा कर हृदय को चंगा करता तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू या है हृदय को सही कर हृदय को सही करता मैं तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू या है जीवनों को बदलता तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू या है हृदय को सही करता हृदय को सही करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं हा 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 बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू है तू है तू है मार बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू सारे आंसुओं को पोंछता टूटी हृदय को जोड़ता तू इन सब का है उत्तर यीशु तू सारे आंसुओं को पोंछता टूटी हृदय को तू जोड़ता और तू सब का उत्तर है यीशु 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 बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू या है जरूरत पूरी करता जरूरत पूरी करता तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है तू यहाँ है हृदय को छू हृदय को छू करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं हाँ यीशु तेरी स्तुति करते हाँ तू वाचा रखने वाला है अंधेरे में प्रकाश है अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं प्रेज लॉर्ड ये समय है वास्तविकता संग्रह का और आज दिनांक 12 अगस्त और आज का संदेश है आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा मत्ती उसका 24 अध्याय 14 वचन जब आप हर दिन सुबह उठते हैं तब क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ विशेष करने के बारे में सोचते हैं? यदि हाँ तो यह तो कुछ भी हो इसे सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए जिससे आप उस दिन करेंगे लेकिन यदि आपका जवाब ना है तो यह बदलाव करने का समय है उदाहरण के लिए सुबह में अपनी प्रार्थनाएं करना अवश्य ही एक प्राथमिकता होनी चाहिए इसलिए आज उद्धार के संदेश के साथ किसी व्यक्ति तक पहुंचने की शुरुआत आज से करो
यह परमेश्वर का नंबर एक काम है और इसे आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हालेलुया। वचन अध्ययन रोमियो उसका एक अध्याय 16 वचन। ये समय है घोषणा का। अपने आंख बंद करकर हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना मेरी नंबर एक प्राथमिकता है और मैं इसमें अपना सब कुछ लगाता हूँ और सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे आसपास का हर व्यक्ति यीशु के बारे में सुनता है और वे बच गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बैठे बैठे बोर हो गए, चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। एक बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला। पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, पहला बीज तो रास्ते के ऊपर। चिड़ियों ने आके उठा लिया, चिड़ियों ने आके उठा लिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर। सूरज निकल के जला दिया, सूरज निकल के जला दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, तीसरा बीज तो कांटों के बीच में। कांटों ने उसको दबा दिया, कांटों ने उसको दबा दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर। फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी, जहां कहीं पर भी है आपके साथ आपके भाई बहन आपके दोस्त, हाई फाई देकर उनका स्वागत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पिछले कुछ समय से हम योना की कहानी देख रहे थे, है ना, और कितना कुछ है जो हमने योना की कहानी से सीखा, एक अद्भुत कहानी। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि योना की कहानी से क्या क्या चीजें हमने सीखी। एक छोटा सा हम
रिकैप करेंगे। तैयार हैं आप सभी? हालेलुया। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक मसीह के रूप में, परमेश्वर के संतान के रूप में, हमें परमेश्वर के वचन को करना कितना जरूरी है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के वचन के करने वाले बनिए, सिर्फ सुनने वाले नहीं, करने वाले। दूसरा, हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर मनुष्य तक सुसमाचार को ले जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर आत्मा बचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचना चाहिए। हालेलुया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह ने इसलिए अपना बलिदान दिया। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों तक सुसमाचार को ले जाइए। कभी भी अपने आप को योना की तरह भागते हुए मत पाइए। जिस तरह से परमेश्वर ने योना को निनवे जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा, योना ने क्या किया? वो वहां से कहीं और भाग गया। पर हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी मत भागिए। हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमें चुना है, बुलाया है सुसमाचार को लोगों तक ले जाने के लिए। परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है और हम कर सकते हैं, और ये करना सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। ये परमेश्वर का नंबर वन बिजनेस है, आत्माओं को जीतना। हालेलुया। और सोचिए, परमेश्वर ने इस नंबर वन बिजनेस के लिए किसको चुना? आपको और हमें। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा, अपने आप को कभी भी इस काम से भागते हुए मत पाइएगा। क्या कीजिए? जाइए और हर व्यक्ति को सुसमाचार सुनाइए। हालेलुया। और वचन से हम समझते हैं कि परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे उन्होंने कितना भी गलत किया हो, चाहे उन्होंने कुछ भी क्यों ना किया, परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है। हालेलुया। और जब वो अपना गलतियों के लिए जब वो क्षमा मांगते, परमेश्वर हमेशा तैयार है उन्हें क्षमा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निनवे में भी यही हुआ है ना। निनवे शहर के लोग कितने बुरे थे, वचन बताता है वो बुरे थे, उनके काम बुरे थे, और इतने बुरे थे कि न्याय का समय आ गया था, उनका न्याय होने वाला था। हालेलुया। पर जब सुसमाचार वहां पर पहुंचा, उन लोगों के बीच में, उस शहर में लोगों ने अपना मन फिराया, अपने उस पाप के रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि निनवे के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को उन पर क्या आई, दया आई। और जहां परमेश्वर ने अपना मन बनाया था उस शहर को, लोगों को नष्ट करने का, वहीं परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया जब लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया और अपना मन फिराया। परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, हर वो व्यक्ति जो मसीह में नहीं है, उनका न्याय होने वाला है। हालेलुया। जिस तरह से निनवे के लोगों का होने वाला था। पर आपको पता है, वचन कहता है कि जो कोई भी यीशु में विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, पर वो अनंत जीवन को ग्रहण करेगा। वो जीवन, वो अनंत जीवन जो कभी नहीं नष्ट किया जा सकता। हालेलुया। यही कारण है कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के पास जाएं, उन्हें यीशु के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं, और उन्हें अवसर दे कि वो यीशु को अपना प्रभु, अपने दोस्त के रूप में ग्रहण कर सके। हालेलुया। तो क्या करना है? जहां कहीं पर भी आप जाते हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, सबको बताइए कि यीशु उनसे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और आपको पता है, जब आप इस काम को कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो आपको मार्गदर्शन देगा, आपकी सहायता करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, और जो कुछ भी आपको इस काम के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपको देगा। हालेलुया। तो याद रखिए, जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वो क्या है? बहुत जरूरी है। और वो क्या है? वो काम दूसरों तक सुसमाचार को ले जाना, यानी सबको बताना परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में।
परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हालेलुया। तो विशेषकर जब हम जानते हैं कि अंत का समय क्या है, नजदीक है, यीशु के आने का समय क्या है, बहुत नजदीक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हमें तेजी के साथ हर दिन हर व्यक्ति तक क्या है पहुंचना है इस सुसमाचार के साथ। और जैसे मैंने कहा, उन्हें मौका दीजिए कि वो यीशु को अपना प्रभु, अपना दोस्त बना सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे योना की कहानी से हमने देखा कि जब योना ने निनवे के लोगों को सुसमाचार का वहां पर प्रचार किया, लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, उन्होंने अपने मन को फिराया। हालेलुया। और पूरी कहानी क्या हो गई, बदल गई। जहां परमेश्वर उन्हें नष्ट करने वाले थे, परमेश्वर ने उन पर क्या की, दया की, वो बच गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये काम प्रभु ने हमें दिया है, दूसरों को बचाने का। हालेलुया। और कैसे बचा सकते हैं हम दूसरों को, जब हम सुसमाचार को उनके पास ले जाते, जब हम उनका उद्धार कराते हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ उन्हें यीशु के बारे में मत बताइए, उनका उद्धार भी कराइए। उद्धार भी कराना क्या है, जरूर उन्होंने मुंह से कहना जरूरी कि यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। तो उद्धार की प्रार्थना है, आप वो प्रार्थना उनसे करा सकते हैं। हालेलुया। सुनिश्चित कीजिए कि उनका उद्धार भी हो रहा है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है। याद रखें, हम इस काम को कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने बताया, जिनसे भी आप मिलते हैं सबको बताइए कि यीशु उनसे क्या करता है, प्रेम करता है। और उनसे कहिए, क्या आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं। तो ये छोटी सी प्रार्थना है जो आप मेरे पीछे कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम उद्धार की प्रार्थना कराते हैं ना, तो आप याद कर सकते हैं उस उद्धार की प्रार्थना को, या लिख के ले सकते हैं अपने मम्मी पापा या किसी से। आप कह सकते हैं, मुझे उद्धार की प्रार्थना लिख के दे दो। और जब आप किसी को यीशु के बारे में बताते, पूछे क्या आप यीशु को अपना दोस्त बनाना चाहोगे। ओके, अगर उनका जवाब हाँ है तो कहो, चलो मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलो, पीछे पीछे बोलो। आप उनसे कह सकते हैं कि आपके पीछे पीछे उद्धार की प्रार्थना को वो बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है, आप जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और उनकी उद्धार की प्रार्थना भी करा रहे हैं। हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है हिंदी में। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, मेरी कहानी सफलता की है, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, मैं आशीषित हूँ और दूसरों के लिए आशीष का कारण हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपने प्रभु नहीं बनाया, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पे आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना दोस्त बना सके, अपना प्रभु और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जीवित परमेश्वर के पुत्र में मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है, मैं यीशु मसीह को बुलाता हूँ अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा
अनंत जीवन को अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आपने परमेश्वर के इस अनंत जीवन को ग्रहण किया है। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो इस समय के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। हाँ प्रभु, मैं यीशु के नाम को उनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ। मैं कहती परमेश्वर के आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार, कोई कब्जा नहीं है। यह आशीष है और एक आशीष है। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके वचन के द्वारा। प्रभु धन्यवाद, ये सुरक्षित है प्रभु। हाँ, और आशीषित है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पे हम अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, घर से देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। हम कहते हैं भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर कि जैसे हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं। कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तेजी से राज्य की हर एक जरूरत को पूरा करते हुए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का, हीलिंग का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार है, इस समय जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है आपको चंगा करने के लिए। और हमेशा याद रखें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा देवीय स्वास्थ्य में जिए। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी है, वहां पर एक हाथ रख लीजिए और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिबो सोंत्र लबाकिया आंत्र दे रो बाकी बादोस को प्रोकाता लबके एंत्रबो सांत्र दा रीमा मामा के तोस को पोका तली आंत्रबो सहांत्र दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर वो बीमार है, हाँ प्रभु मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हाँ प्रभु आई कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फर्मिटी टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। दीबो को तागी बांत सोंत्र बलिखांत्र दे। हाँ परमेश्वर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, इनके शरीर के कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। कोई बीमारी इसके अंदर नहीं रह, कोई दर्द इसके अंदर नहीं रह सकता। मैं इनके शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस वो दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सोलोड हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ वहां पर उनके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ गीता वो उसका ताकि अंतर वो सीत्र वो का अंतर दे दे। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, ये स्वस्थ, ये चंगे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। देवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद करते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सबने बहुत मजे किए। कितना कुछ आज हमने किया, हमने गाना गाया, डांस किया, एक्शन सॉन्ग, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं, कहानी सुनी। हालेलुया, मुझे विश्वास है आप सबने इसका आनंद उठाया है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ
ये लिंक शुरू रहता है, अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर कीजिए। दोबारा आप उन्हें उनके साथ दोबारा आप इसे देख सकते हैं। जो कुछ भी सिखाया है यहाँ पर वो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। रे वो सोम तलबा की आहांत्र दे रो बाकी आंखों को सोम तलबा की आंत्र बोश कर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। धन्यवाद देती परमेश्वर, मैं यीशु के नाम को बोलती हूँ उनके ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर काम कर रही है। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे। इनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो रही है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये सफल है, ये समृद्ध है, ये चैंपियंस है प्रभु। ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सुरक्षित है प्रभु, दैवीय स्वास्थ्य इनका है, इनके घरों में परिवारों में शांति है, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.